नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार से बहुत स्वागत है करियर बिट की इस फैमिली में। उत्तर प्रदेश में डीएलएड 2017 बैच का प्रशिक्षण समाप्त हो जाने के बावजूद अभी तक एक भी सेमेस्टर का अंक पत्र पीएनपी के द्वारा अभ्यर्थियों को नहीं दिया गया है। दोस्तों, कब तक अंक पत्र और कैसे मिल सकता है, इस वीडियो में जानेंगे। तो यदि आप भी इस बैच से रिलेटेड हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज दिनांक 13 मार्च 2020 को पीएनपी कार्यालय पर डीएलएड 2017 बैच के रिप्रेजेंटेटिव्स उपस्थित थे अंक पत्र के संदर्भ में अपडेट लेने के लिए। दोस्तों, वहां पर पीएनपी के द्वारा उनको ये सूचना दी गई है कि डीएलएड 2017 बैच में बीटीसी 2015 बैच से अभ्यर्थियों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी, जिसकी वजह से पीएनपी इस बैच के अंक पत्र को प्रिंट करने में असमर्थ है। दोस्तों, उनके द्वारा यह सूचना दी गई है कि जो अभी वर्तमान में डीएलएड 2018 बैच की तृतीय सेमेस्टर और डीएलएड 2019 बैच के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं पीएनपी के द्वारा प्रस्तावित की गई हैं दिनांक 23 से 28 मार्च 2020 के बीच में, उसके बाद से पीएनपी के द्वारा कॉलेज लॉगिन आईडी पर या फिर डीएलएड की ऑफिशियल वेबसाइट पर डीएलएड 2017 बैच के अंक पत्र को अपलोड कर देगा। वहाँ से सभी अभ्यर्थी उसको डाउनलोड करके अपने संबंधित जिले के डाइट से उसको सत्यापित करा करके उस अंक पत्र का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये सूचना पीएनपी के द्वारा आज डीएलएड के अभ्यर्थियों को दी गई है। दोस्तों, अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ये भविष्य में भी ऐसा कन्फर्म रहेगा या फिर उनको हार्ड कॉपी दी जाएगी, क्योंकि अभी तक पीएनपी के द्वारा यही सूचना दी गई है कि साइट से अपलोडेड अंक पत्र को आप डाउनलोड करेंगे और उसको अपने संबंधित डाइट के प्राचार्य से उसको सत्यापित करके आप उसका यूज कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।